फिर से स्वागत हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत शानदार और इतना नॉलेजेबल होने वाला है कि आप पूरा वीडियो देखोगे, आप वाकई बोलोगे हाँ शानदार, जो जरूरत की चीज थी और हाँ सबकी दिक्कत थी, ऐसा वीडियो बनाया। इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, इस वीडियो में ये खास होने वाला है, हमारी जो गाड़ी इको है उसको लेके बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए मैंने एक आइटम खोज के निकाला है बहुत ही किफायती और अच्छा, और उसके लिए मेरा ये पार्सल आ चुका है। इसकी करेंगे आज अनबॉक्सिंग और आज इसको यूज करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। क्या वाकई में ये चीज फायदेमंद है? हाँ, मेरे फायदेमंद होगी तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज बोलूंगा ठीक ठीक है या फिर आप उसकी तरफ नहीं जाए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने कर रखी। वैसे क्या होता है, कोई भी आज के टाइम में ऑर्डर आता है सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हैंड टू हैंड, तो मैंने भी वही सीन किया है, तो करके अनबॉक्सिंग मैंने ले लिया। अब चलते हैं हमारी इको गाड़ी में और वहीं जाके इसका मैं आपको जो भी रिव्यू है, जो यूज है, खोलना करना सब वहीं करेंगे, आपके सामने लगाएंगे और देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिर क्या होता है, इको ज़्यादा यूज करते हैं या तो ऑटो टैक्सी में, ऑटो में या ऑटो जो टैक्सी लोग होते हैं ये चलाते हैं, या फिर जो भी होता है कॉमर्शियल यूज होता है ज़्यादा गाड़ी में सामान भरना, उसके लिए उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और क्या इको में जो दिक्कत ये है, ये मैंने काफ़ी फेस की थी, इसके लिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ही तो हमें नया वीडियो लाने के लिए हमें वो क्या बोलते हैं एक्साइटेड करते हैं, जिसकी वजह से हम नया वीडियो लाते हैं। क्योंकि मेरे लास्ट जितने भी वीडियो है वो आपका इको के प्रति प्यार और काफ़ी व्यू आने की वजह से मैं वापस मेरी गाड़ी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं इको गाड़ी में। तो अभी चलते हैं हम इको गाड़ी के अंदर और वहीं ये डिस्कस करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पीछे सामान भरा हुआ है, कम जगह है, चलते हैं अंदर की तरफ। अभी हम बैठे हैं इको गाड़ी में और जो दिक्कत आ रही है वो भी बता देता हूँ। और सबसे पहले अपन करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग वैसे हो चुकी है तो स्टार्ट करते हैं, इसको निकालते और दिखाता हूँ मैं आपको क्या प्रोडक्ट है। ये पार्सल आया था अमेजन से और इसका जो अमाउंट लगा है 250 के लगभग लगा है, लेकिन इसी आइटम में तो रिवेल कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत जेन्युइन चीज़ है और सबको दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ अपने को टेंशन या सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो ये लॉक लगा हुआ है, आप इको गाड़ी में देख रहे होंगे ये लॉक लगा हुआ है। ये क्या होता है, या तो बच्चे खोल देते हैं या उठने बैठने में ये टूट जाता है, ये होते हैं प्लास्टिक के लॉक। अब जैसे मेरे ना ऐसे ही 3 से 4 बार मैं चेंज करवा चुका हूँ, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देख ले आप, ये अब ये यहाँ नीचे से भी टूट गया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे से भी टूट गया और ऊपर से भी टूट गया। ये मेरे 3 या 4 बार टूट गए, मैंने मार्केट से लेके भी लगाई, तो मैं सोच रहा था क्यों समस्या आ रही है, क्यों क्या बच्चे खोल के फेंक देते, मिल तो जाता है लेकिन वापस इसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। इसकी दिक्कत से मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने सोचा क्यों ऐसा मार्केट में कुछ ढूंढा जाए जो इसका अल्टरनेट हो और बेस्ट रहे। तो मुझे मिला है स्टील का, स्टील के जो मिले हैं वो मेरे को 4 पीस में मिला है। हर गाड़ी में 4 ही लगते हैं, तो हर गाड़ी में लगते हैं 4। तो अब आप देख लीजिए, ये वाला भी यहाँ से टूटा हुआ है, इसी तरीके से ये वाला नीचे से टूटा हुआ है और ये यहाँ पे पीछे लगा हुआ है, ये भी ढीला पड़ चुका है। मतलब हर गाड़ी में 4 लगते हैं। अब हम निकालते हैं इनको और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 4 किस टाइप के हैं। तो ये इसके साथ आया है और लगता है कि नहीं लगता वो भी देख लेंगे। अच्छी खासी पैकिंग के साथ में आया है, ये इस तरीके की जिप्पर है उसमें ये डला हुआ है। तो मैं निकाल लेता हूँ और आपको दिखाते हैं, और आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो कि इनकी ये मेटल के है, ये फिक्स है कि ये मेटल के है। तो इसका ये कलर, इसमें 4-5 कलर थे, अपनी गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और ये काफ़ी यूनिक से लग रहे, बहुत मस्त लग रहे। तो ये देख सकते हैं आप, और ये 4 ही लगते हैं गाड़ी में, तो 4 आ चुके हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। अब इसको अपन लगाएंगे और देखेंगे। और ये देखिए गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये देखो मैं दबा रहा हूँ, ये ना बैंड खा रहे ना मुड़ रहे, तो इससे ये फिक्स है कि ये ना तो टूटेंगे और इनमें नीचे जो रिंग टाइप का बना हुआ तो ये लग भी जाएंगे अच्छे से। ये लगा के अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा अच्छा है और कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहीं अपने साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो ये वाला देखिए ऐसा नट होता है, अब ये देखिए फ्री पड़ा है, इसके ऊपर इसको सेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ये लगेगा। तो देख लीजिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर रहेगा लेकिन चलेगा, उससे काफ़ी बेटर है,
क्योंकि ये रहता है बाहर इतना, जैसे ये जेन्यूले इतना बाहर रहेगा और इतना अंदर, ये वाला लगने के बाद कुछ इस तरीके का रहेगा, इतना बाहर रहेगा। अब इसको यदि हम निकालते हैं, देखिए ये काफ़ी इसका नट लंबा है, लेकिन इसके अंदर मेरे को लगता है सामने से कुछ कैप वैप डली हुई है, इसलिए लंबा इतना ही है। ये देखिए इतना गया, उसके बाद में घुमाने से ये टाइट हो जाएगा। तो निकालेंगे तो इतना लंबा, ये इतना लग जाएगा, यहाँ पर लगा लिया। अब चलो इसको खोल के लगा लेते हैं, एक एक करके चारों को अपन लगा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कैसा लगता है। अब देखिए इसका मुंह नीचे से ऐसा था कुछ, ये इसको एक काम करते हैं, कभी कभार कोई खो जाएगा उससे अच्छा इसको अपन रख लेते हैं गाड़ी के टूल में, फ्यूचर में कभी यूज भी आ सकता है। तो ये रहा मेरा दूसरा, दूसरे को मैं यहाँ लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसमें भी ये थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन अच्छा है गैप रहेगा, तो इसका मतलब ये सीधा टकराता इससे तो फिर ये पकड़ में नहीं आता, ग्रीप नहीं बनता। अब देखिए ग्रीप बना और निकल भी नहीं रहा, देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ निकल नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो राउंड लग गए इसलिए। अब देखिए ये वाला इसको बंद है, टाइट है। इसी तरीके से मैं इसको भी कर लेता हूँ रिप्लेस। और आपको यदि चाहिए तो आप अमेजन से खरीद सकते हैं, और मार्केट में और भी अच्छे अच्छे मिलते हैं अपने पसंद के हिसाब से। अब देखिए गाइस इसका भी मुंह टूट चुका है, काफ़ी लंबा होता है आगे से, ये भी टूट चुका है। तो इसकी जगह भी हम लगा लेते हैं ये वाला, ये कुछ इस तरीके से। ये टाइट हो गया है, और यहाँ पे ये थोड़ा कम और इसी बाहर आ गया। अब देखिए ये बाहर रह रहा तो ये थोड़ा टेढ़ा रह रहा, तो आप मार्केट में थोड़ा देखे इस टाइप का थोड़ा लेंथ कम, या फिर मैं इसको थोड़ा काट दूंगा किसी से कटर वगैरह से, थोड़ा इसका मुंह काट दूंगा तो लेंथ कम हो जाएगी। अब पीछे वाला वैसे ही लगा हुआ है नहीं, तो इसको डायरेक्ट लगा लेता हूँ मैं यहाँ बैठ के। देखिए लगा हुआ था, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए इसके ऊपर ये लगा हुआ था लेकिन ये टूट गया। अब देखिए इस तरीके से समस्या आती है, खास करके उन लोगों को जो सामान डालते हैं या फिर जो ऑटो में यूज लेते हैं गाड़ी को, टैक्सी में। तो टैक्सी में क्या होता है कि लोग बाग चढ़ते करते तोड़ देते हैं, इस टाइप का लगाएंगे तो एटलीस्ट टूटेगा तो 100% नहीं, ये तो फिक्स है। तो देखिए गाइस लगा दिया, ये बंद हो गया, ये भी लगा दिया, इसको भी ये भी बंद हो गया, ये नहीं खुल रहा, बंद है। और ये वाले जो टूटे हुए हैं इनको रख लेता हूँ मैं ड्रॉर में, और ये बाकी वाले पोल पन्नी वगैरह पड़ी रहने देते हैं गाड़ी में, ये वाला इधर लग गया है। तो फाइनली मैंने चारों सेट कर दिए, तो इतना महंगा भी नहीं। हाँ थोड़ा सा इसका यदि जो लेंथ है वो थोड़ी सी और कम होती, जो आगे का इसका मुँह है वो लंबा है ना, वो थोड़ा सा और कम होता तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता। बट हाँ काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इसका, क्या है कि एक तो इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया बढ़िया कह सकता हूँ मैं, अच्छी ग्रीफ के वाला है। तो देखिए आवाज़ भी शानदार कर रहा है, लग गया, इको के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और आप ऐसा ले सकते हैं, खोने का डर है बाकी तो टूटने उठने का डर है नहीं। अब बात करेंगे हम एक और एसेसरी मंगवाइए उसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि इको के एसेसरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके देना, और यदि ऐसी किसी को समस्या आ रही है तो आप उनको भी टैग कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।